एक बार की बात है, एक गांव में एक दंपत्ति राम और सीता रहते थे। राम एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन सीता एक डरपोक औरत थी। राम को पड़ोस के गांव में नौकरी मिल गई थी। तब राम ने अपनी पत्नी सीता से कहा, सीता, मुझे पड़ोस के गांव रुद्रवर में नौकरी मिल गई है। हमें कल ही रुद्रवर रवाना होना है। ठीक है। अगले दिन राम और सीता रुद्रवर के लिए निकल गए। उस गांव में एक पेड़ के नीचे बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति से राम ने पूछा, दादाजी, हम एक पड़ोसी गांव से आए हैं। हम इस गांव में नए हैं। क्या हमें इस गांव में किराए पर मकान मिल सकता है? तब वो बुजुर्ग आदमी बोला, इस इलाके में तो कोई घर नहीं। आगे जाओ, वहाँ किसी से पूछ लाओ। उस पेड़ पर बैठी ताशी नाम की एक शैतान ने उनकी बातचीत सुनी। जब राम और सीता कुछ दूर आगे चले तो शैतान एक महिला के रूप में प्रकट हुई और राम की ओर चल पड़ी। तब राम ने उस स्त्री से पूछा, सुनिए, मेरा नाम राम है। हम सुबह से किराए के मकान की तलाश कर रहे हैं, लेकिन मिला नहीं है। क्या आप हमारी मदद करेंगी? तब महिला का रूप धरे ताशी ने कहा, इस गांव में किराए का कोई घर नहीं है। तुम चाहो तो इस गांव के बाहरी इलाके में एक बंगला है, लेकिन ताशी नाम की एक युवा लड़की की उस घर में मृत्यु हो गई थी और वो शैतान के रूप में वहाँ अब भी रह रही है। किसी ने भी आज तक वहाँ जाने की हिम्मत नहीं दिखाई है। इतना कहकर वो महिला तो वहाँ से चली गई। तब सीता ने राम से कहा, शैतान, मुझे शैतानों से बहुत डर लगता है। हमें उस घर की जरूरत नहीं है। लेकिन राम जो बहादुर था वो घबराया नहीं और सीता से बोला, कुछ नहीं होगा सीता, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। ये कहकर वो सीता को ले उस बंगले में गया। ये एक बहुत बड़ा बंगला था। जैसे ही राम और सीता उस बंगले में गए, ताशी शैतान उनके पास आई और बोली, कौन हो तुम लोग? मेरे बंगले में क्यों आए? हम यहाँ से नहीं जाएंगे। कोई हमें किराए पर घर नहीं दे रहा है, इसीलिए आए हैं। इस घर में रहने के लिए 5 शर्तों को स्वीकार करना होगा। स्नान नहीं करोगे, मकड़ी का जाला नहीं हटाना है, घर में धूल साफ नहीं करनी है, बर्तन नहीं धोना है, और मुझे मछली की करी बहुत पसंद है। ठीक है, हमें तुम्हारी शर्तें स्वीकार हैं। अगले दिन सुबह सुबह राम और सीता झील पर गए और वहाँ जाकर उन्होंने स्नान किया। लौटते समय उन्होंने मछली खरीदी और घर आ गए। जैसे ही दंपति ने बंगले में प्रवेश किया, तुमने मेरी बात नहीं सुनी और नहा धो लिए, घर से निकलो। हम तुम्हारे लिए मछली लेने झील गए थे, कल से तुम ले आना, फिर हमें उस झील में उतरने की जरूरत नहीं होगी। मैं क्यों लाऊंगी मछली? मैं नहीं लाऊंगी। ठीक है, नहा लेना। तब राम ने सीता के पास जाकर कहा, सुनो सीता, तुम इस फिश करी को मकड़ी के जाले और मकड़ियां डालकर पकाना। सीता ने वैसे ही किया। शैतान को मछली करी की गंध मिली और उसे बहुत पसंद भी आई। तुरंत तो शैतान ने मछली की करी खाना शुरू कर दिया। करी में उसे एक जिंदा मकड़ी मिली। मछली करी में मकड़ी? ये क्या खाना पकाने का तरीका हुआ? ये घर मकड़ी के जाले और मकड़ियों से भरा है। खाना बनाते समय मकड़ियां बर्तन में गिर गई होंगी। हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, घर में मकड़ी के जाले और धूल को साफ करो, अनुमति है। अगले दिन राम ने सीता से कहा, सीता, बिना बर्तन साफ किए खाना पकाना। ठीक है, मैं यही करूंगी। उसने बिना बर्तन साफ किए ही खाना पकाया। शैतान को उल्टी और दस्त होने शुरू हो गए। मैंने तुमको आश्रय दिया और तुम मेरा ये हाल कर रहे हो? अरे, तुमने ही तो शर्त रखी थी कि हमें बर्तनों को साफ नहीं करना है। राम, तुम बहुत ही बुद्धिमान और बहादुर हो। मैंने तुम्हारा परीक्षण करने के लिए ऐसा किया था। मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूँ और ये बंगला तुम्हें उपहार में दे रही हूँ। जब राम और सीता को इतना बड़ा बंगला मिला तो वे बेहद खुश हुए और उन्होंने शैतान का धन्यवाद किया। वेंकटगिरी गांव में लगभग 1000 घर थे। उस गांव में सभी लोग बहुत गरीब थे। गांव में सरपंच के चुनाव का समय आया। सभी ग्रामीण इस बार
एक अच्छे नेता का चुनाव करना चाहते थे और अपना गांव विकसित करना चाहते थे। उस गांव के पास एक जंगल था। करुणाकर नाम का एक शैतान उस जंगल में रह रहा था। उस शैतान ने 5 साल पहले उस गांव में सरपंच के रूप में चुनाव लड़ा था और हार गया था। इससे करुणाकर ने निराश होकर आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि उस गांव का सरपंच बनने की उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई थी, वो शैतान बन गया था। एक दिन वो सोच रहा था, मैं पिछले चुनावों में सिर्फ 1 वोट के अंतर से हार गया था। अगला चुनाव जल्द होने वाला है। मुझे इस बार किसी भी तरह से सरपंच बनना होगा। मुझे इस बार जीतना होगा। अगले दिन सुबह वेंकटगिरी के ग्रामीण रामू और सोमू, जो दोस्त थे, एक स्थान पर बैठ गए और चुनाव के बारे में चर्चा करने लगे। अरे सोमू, इस बार चुनाव में कौन जीतेगा? इसमें सोचने की क्या बात है, जो ज्यादा पैसा देगा वो जीतेगा। तब तो हमारा गांव कभी विकसित नहीं होगा। ऐसा क्यों कह रहे हो? चुनाव के दौरान प्रत्येक को कम से कम 5,000 मिलेंगे। मिलेंगे कि नहीं? अरे मूर्ख, वे हमें 5,000 देकर 5 साल के लिए खरीद लेते हैं। अगर हमें इसका एहसास नहीं होगा तो वे हमारे जीवन को किसी को बेच देंगे। सच? ये बात मेरे दिमाग में नहीं आई। हमें इस बार एक अच्छे नेता का चुनाव करना ही होगा, तभी भविष्य बनेगा। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। करुणाकर उनके सामने प्रकट हुए बिना ही बोला, इसीलिए मैं इस बार चुनाव लड़ रहा हूँ। तुम्हारा जीवन सुखी और समृद्ध होने वाला है। सोमू, कौन है ये? आवाज सुनाई दी पर दिखाई कोई नहीं दिया। आमतौर पर नेता चुनाव के बाद गायब होते हैं, लेकिन ये व्यक्ति प्रचार भी अदृश्य रूप से कर रहा है। तुम कौन हो? हमारे पास आओ और बोलो। तुरंत शैतान उनके सामने आया और अजीब तरह से हंसा। उस शैतान को देखकर दोनों डर गए और एक दूसरे को कस कर पकड़ लिया। कौन हो तुम? तब शैतान बोला, डरने की जरूरत नहीं, मेरा नाम करुणाकर है। मैंने 5 साल पहले इस गांव में सरपंच के रूप में चुनाव लड़ा था। दुर्भाग्य से मैं हार गया। मैं बहुत निराश हो गया और मर गया। इस बार मैं फिर से चुनाव लड़ना चाहता हूँ और चुनाव जीतना चाहता हूँ। कृपया, मेरा अनुरोध है कि आप अपना बहुमूल्य मत मुझे दें। लेकिन रामू और सोमू को कुछ समझ नहीं आया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि एक शैतान चुनाव कैसे लड़ सकता है। आप हैरान क्यों हैं? मुझे एक छोटा सा संदेह है। कैसा संदेह? तुमने ये दुनिया छोड़ दी, लेकिन सरपंच बनने की इच्छा ने तुम्हें नहीं छोड़ा। कोई भी पद एक लत की तरह है। यदि कोई व्यक्ति किसी पद को पाने की इच्छा रखता है तो उस व्यक्ति की मृत्यु होने पर भी उस इच्छा की मृत्यु नहीं होती। अगर हम आपको अपना वोट नहीं देंगे तो आप क्या करेंगे? इसमें कोई संदेह नहीं, मैं तुम्हारे गांव को निर्दयता से नष्ट कर दूंगा। ये सुनकर दोनों दोस्त डर से कांपने लगे। तो अब तुम दोनों गांव जाकर सबको बताओ कि सभी को मेरे प्रतीक हवा को वोट देना है, और अगर नहीं दिया तो कोई भी ग्रामीण जीवित नहीं बचेगा। तब रामू और सोमू, जो बेहद डर गए थे, उन्होंने ग्रामीणों को जाकर सब कुछ बताया। इससे वे ग्रामीण भी घबरा गए। जब रास्ते में रामू और सोमू सभी से बात कर रहे थे तो एक युवा और बुद्धिमान लड़का उसी गांव का उनके पास आया और पूछने लगा, अरे रामू, सोमू, इतनी जल्दी में कहां भागे चले जा रहे हो? क्या हुआ? करुणाकर, जो पिछले चुनावों में हार गया था, शैतान बन गया है और हमारे गांव में फिर आ गया है। उन्होंने कहा है कि अगर हम उन्हें इस बार नहीं चुनेंगे तो सभी ग्रामीणों को मार डालेगा। शैतान कैसे चुनाव लड़ सकता है? ये सुनने में बहुत ही अजीब है। एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई है। शैतान का चुनाव करें या हराएं। हमें कुछ करना होगा ताकि शैतान चुनाव लड़ने का विचार ही त्याग दे। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन करेंगे कैसे? मेरे पास एक प्लान है। जैसा मैं कहूँ वैसा करिएगा। इस तरह राजू ने रामू और सोमू को धीरे से अपना पूरा प्लान समझाया। दोनों दोस्त खुश हुए
और फिर सभी गांव वालों को भी बताया। कुछ दिनों के बाद उस गांव में चुनाव संपन्न हुए और मतगणना की प्रक्रिया भी पूरी हो गई। वो शैतान चुनावों में हार गया था। इससे वो बहुत क्रोधित हो गया और रामू और सोमू के पास आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुमको चेतावनी दी थी और तुमने मुझे चुनाव में हरा दिया। नाराज मत हो मिस्टर करुणाकर, हमने क्या गलती की है? आपने जो कहा हमने वही किया। तुमने उनसे क्या कहा? हमने उनसे वोट हवा में डालने को कहा। फिर मुझे वोट क्यों नहीं पड़ा? गलती आपके प्रतीक की है। आपने कहा कि आपका प्रतीक हवा है। ग्रामीणों ने उस हवा की खोज की तो क्या हुआ? फिर वो मिली ही नहीं, इसीलिए वोट नहीं डाला। शैतान को उनकी बात पर विश्वास करना पड़ा। आपने जो कहा वो सच है। मैं अगले चुनावों में वापस आऊंगा और निश्चित रूप से जीतूंगा। इतना कहकर वो शैतान उन्हें छोड़कर चला गया और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। अच्छे नेता का चुनाव करने से सुंदर और समृद्ध भविष्य बनता है। योर वोट इज योर वॉइस। कृपया हमारा चैनल देखें और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को टैप करना ना भूलें। थैंक यू।